हेलो फ्रेंड्स, अक्षय किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंगूर से ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अक्षय किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंगूर से स्वीट डिश जो रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। चलिए बनाते हैं हम कैसे बनाएंगे स्वीट डिश। गैस पर रखा था हमने कढ़ाई, इसमें डाला है रिफाइन, इसको पूरा हीट होने देंगे, घी को पूरा हीट होने देंगे। घी हीट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे अंगूर, इसको तल के हम निकालेंगे, इसको तल लेंगे हम अच्छी तरह से पहले तल लेंगे। इसको हल्का फ्राई करके हम निकाल लेंगे। मैंने गुच्छे में से तोड़ लिया है, अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे हम। देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, पेस्ट बन गया। अंगूर का पेस्ट एक कटोरी के आसपास है। हमको इसमें चाहिए आधा कटोरी, हम लेंगे सूजी उसी के हिसाब से, एक कटोरी अंगूर का पेस्ट, आधा कटोरी उसी कटोरी से आधा कटोरी सूजी हम लिए हैं। इधर हम गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई, थोड़ा सा लेंगे गुड़ डाल देंगे कढ़ाई में हम, आधा कटोरी चीनी डाल देंगे इसमें, गुड़ चीनी एक साथ, मीठा आप अपने अनुसार रखेंगे। अब इसको मेल्ट होने देंगे हम। अंगूर और सूजी के हिसाब से हमको मीठा डालना है, इसको मेल्ट होने देंगे। गैस का फिर हमको कम ही रखना है। अब इसको मेल्ट होने देंगे हम। जब ये हल्का मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे अंगूर का पेस्ट जो बनाए थे हम, उसको हम चलाएँगे। चीनी या गुड़ को मेल्ट होने देंगे अंगूर के जूस के साथ, हम इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप लोग। अगर कोई फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोग को शेयर भी करें, और प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में लिखना आप लोग मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसे लगी। देखिए हल्का गाढ़ा हो गया है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी को अच्छी तरह से हमको पकाना है कम ही आँच पे। इसमें गुड़ जो मीठा डालते हैं थोड़ा सा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस मिठाई का। सूजी पक गया तो इसमें डालेंगे घी एक चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, देखिए गाढ़ा हो गया, सूजी पक गया है। एक कटोरी मलाई वाला दूध डालेंगे इसमें हम। डाल देंगे मलाई वाला दूध एक कटोरी, जिस कटोरी से मैंने अंगूर का जूस लिया था उस कटोरी से। अब इसको हमको चलाते रहना है, इसको हम परफेक्ट एक एक स्टेप में हम चलाते इसको रहेंगे। गैस कम ही रखेंगे हम। ये स्वीट रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे सबको बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चे सब बहुत पसंद से खाते हैं इसको। आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ऐसे भी बना के आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं, मेहमान या गेस्ट कोई भी है खाने में दे सकती हैं। इसमें डालेंगे काजू बादाम कूट के डाल देंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट। इस पर से इसको उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट मैंने घी लगाया है, मैंने क्या करेंगे इसको प्लेट में घी लगाया, इसमें डाल के इसको फैला लेंगे हम पूरे बैटर को। अब इसको फैला देंगे प्लेट में, सबको पहले निकाल लेंगे ऐसे, इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे और कुछ देर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसके ऊपर नारियल का बुरादा हम डाल देंगे। अब हम इसको बर्फी का शेप दे देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं, देखिए सूख गए, सूखने के बाद इसको मेरा अंगूर का बर्फी बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना परफेक्ट बना है, देखिए दिखने से लग नहीं रहा है कि अंगूर का बर्फी बाजार जैसे बना है। ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मत भूलिए कैसा बना था अंगूर से बर्फी। फिर मिलेंगे नए वीडियो रेसिपी के साथ, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।